नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। जोहान्सबर्ग में बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भोजरात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रयान 3 की सफलता पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित कई विश्व नेताओं ने बधाई दी। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन का जिक्र करते हुए कहा था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के लिए दक्षिण अफ्रीका में हमारे प्रवासी भारतीयों का उत्साह वास्तव में खुशी देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जोहान्सबर्ग के एक होटल में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों का अभिवादन करते हुए अपनी तस्वीरें भी साझा की। चंद्रयान 3 ने बुधवार को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अपनी गतिशील और उद्यमशील लोगों के लिए जाना जाता है। इतिहास में व्यापार ने विचारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। इससे लोगों को करीब ला दिया है। व्यापार और वैश्वीकरण ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक आशावाद और विश्वास देखते हैं। भारत को खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र 24 अगस्त चंद्रमा को लक्ष्य बनाकर भारत न केवल उस तक पहुंच गया है, बल्कि आगे की असीमित संभावनाओं पर भी हमारी नजर है। अनंत और उससे भी आगे, यह बात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कही। कंबोज ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 1.4 बिलियन भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, जहां कई अन्य लोग अब तक सफल नहीं हुए हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत ने बुधवार को अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग में इसरो की बहुत बड़ी टीम ने काम किया है। देश भर के कई होनहार वैज्ञानिकों की टीम का हिस्सा बनाया गया, जो अलग अलग कोणों से संबंध रखते हैं। इन टीमों में यूपी के कई वैज्ञानिकों ने भी अहम भूमिका निभाई है। किसी ने उपकरण डिजाइन किया तो कोई चंद्रयान पर हर पल निगरानी रख रहा था। मुरादाबाद, अलीगढ़ और जैसे छोटे शहरों से निकले इन वैज्ञानिक भारत की इस सफलता में बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी लंबी कूद के एथलीट जेस्विन एल्ड्रिन ने बुधवार को पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धी मुरली श्रीशंकर खराब प्रदर्शन के बाद क्वालिफिकेशन दौड़ से बाहर हो गए। वहीं भाला फेंक एथलीट अनु रानी सत्र का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन दौड़ से बाहर हो गई। पंजाब के अमनप्रीत सिंह ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल का स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने इस चैंपियनशिप में देश को 5वां स्वर्ण दिलाया। वहीं महिला टीम ने इसी इवेंट में टीम का कांस्य जीता। अमनप्रीत ने 577 का स्कोर किया, जबकि कोरिया के ली गनहुक ने 574 के साथ रजत और फ्रांस के केविन चापोर ने इसी स्कोर के साथ कांस्य जीता। भारत के हर्ष गुप्ता चौथे स्थान पर रहे। टियाना यस्तिका सोकीन और कृतिका शर्मा ने 1601 अंकों के साथ कांस्य जीता। चीन ने महिला वर्ग का स्वर्ण जीता। पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के टॉलस्टॉय फार्म का जिक्र किया, जो यूरेशिया और अफ्रीका के दर्शन को समृद्ध करने के साथ ही एकता और आपसी सद्भाव की ठोस नींव रखता था। पीएम ने कहा कि इस शहर और भारत के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। यहां से कुछ ही दूरी पर टॉलस्टॉय फार्म है, जिसे महात्मा गांधी ने 110 साल पहले बनवाया था। यूरेशिया और अफ्रीका के महान दर्शनों को एक साथ लाकर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सद्भाव की मजबूत नींव रखी। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि जानलेवा बीमारी डेंगू को फैलाने वाला वायरस उच्च तापमान में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह शोध डेंगू की गंभीरता और उग्रता का अनुमान लगाने और उसे कम करने में मदद कर सकता है। शोध प्रतिवर्ष 390 मिलियन मामलों पर ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों की ओर इशारा करता है। यह अध्ययन हाल ही में अमेरिका के द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ था। ट्रेन में अक्सर सफर करने वालों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कई बार जब उनका वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता है पर सीट या बर्थ नहीं दिया जाता है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले ट्रेन का चार्ट तैयार हो जाता है। चार्ट बनने से पहले बहुत से यात्री टिकट कैंसिल कराते हैं, उनकी सीट खाली होती है। वहीं हर कोच में इमरजेंसी कोटा तय होता है, जो रेलवे मंत्रालय की ओर से लगता है। कई बार इस कोटे के तहत तय रिजर्व सीटें और बर्थ नहीं पाती हैं, वो खाली रह जाती हैं। बिहार के युवा अब खेल के क्षेत्र में भी कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। प्रदेश से लेकर विदेश तक अपने हुनर का परचम लहरा रहे हैं। आज हम आपको बिहार के वुसु खिलाड़ी राहुल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मकाऊ में पंच का पावर दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। चीन के मकाऊ में 17 से 20 अगस्त तक 11वीं एशियाई वुसु जूनियर चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम करने के बाद राहुल कुमार पटना लौटे। पटना में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र में राहुल के लिए स्वागत समारोह रखा गया था। फूलमाला से स्वागत के बाद ऐसे ओपन जिप में शोभा यात्रा निकाली गई।
बिहार के राज्यपाल दलित समाज से आते हैं, इसलिए सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखती। राज्य सरकार जानबूझकर सब कुछ कर रही है। बिहार के इतिहास में आज तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच स्थिति खराब नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का रिश्ता कायम रहे। यह बातें बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल दलित समाज से आते हैं, यही वजह है कि सरकार उनके साथ बेहतर नजरिया नहीं रखती है। हालांकि यह उचित नहीं है, सरकार में मिलजुल कर ही विकास किया जा सकता है, टकराव से नहीं, मगर यह सरकार सबसे लड़ना चाहती है। भारत विश्व मंच पर नाम कमाने के अलावा शतरंज के कई ग्रैंड मास्टर तैयार कर रहा है। ऐसे में महान भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद का दृढ़ विश्वास है कि मौजूदा समय में भारतीय शतरंज अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है और यह भारतीय शतरंज की स्वर्णिम पीढ़ी है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय खिलाड़ी बाकू में शतरंज विश्व कप में सुर्खियों में है। युवा ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञान नंदा फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ खेल रहे हैं। कार्लसन और प्रज्ञान नंदा के बीच फाइनल मुकाबला टाई ब्रेक तक पहुंच चुका है। दोनों खिलाड़ियों के बीच शुरुआती दो मैच ड्रॉ रहे हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के बाद वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच श्रेयस अय्यर के कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के साथ ही रहमान उल्ला गुड़बाज ने कहा है कि उम्मीद है श्रेयस एक अच्छा कप्तान बनेगा। वह एक अच्छा कप्तान होगा क्योंकि वह आईपीएल में एक टीम का नेतृत्व करता है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। अगर वह आईपीएल में एक टीम का नेतृत्व कर सकता है, वह दुनिया की किसी भी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत का भी अगर श्रेयस आईपीएल में किसी टीम का नेतृत्व करते हैं तो इसका मतलब है कि वह अच्छे हैं। वहां ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल में टीमों का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, उन्हें मौका मिला, जिसका मतलब है कि वह एक अच्छे कप्तान है। मुझे यकीन है कि वह भारत के लिए एक अच्छे कप्तान होंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा निवेश किया है। चालू वित्त वर्ष में निवेशकों ने इक्विटी में शुद्ध रूप से 1,56,818 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे पहले 2020-21 में रिकॉर्ड 2.70 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। FII ने भारतीय बाजार में 1992-93 से निवेश शुरू किया था और उस समय केवल 13 करोड़ रुपए लगाए थे। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5 वित्त वर्ष में इनका निवेश 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। इसमें 2014-15 में 1.11 लाख करोड़ रुपए, 2012-13 में 1.40 लाख करोड़ रुपए, 2010-11 में 1.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश था। एलन मस्क ने पिछले महीने एड्स रेवेन्यू प्रोग्राम की शुरुआत कर यूजर्स को प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित किया। इस प्रोग्राम के तहत कंपनी लोगों को पोस्ट के लिए पे करती है। अब तक कई लोगों को कंपनी पैसे दे चुकी है। स्पीच मस्क ने एक ट्वीट कर ये जानकारी शेयर की है कि वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन भी एड्स रेवेन्यू प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी न्यूज और दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो एक्स पर गोल्ड चेकमार्क लेते हैं, वे कंपनी से पैसे कमा सकते हैं। नॉर्मल क्रिएटर्स की तरह वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए शर्तें सेम हैं। चंद्रयान 3 ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। इसी कड़ी में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस मिशन की सफलता पर इसरो टीम और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी। CGI ने कहा कि इसरो ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को देखकर हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में उन्हें बहुत गर्व हुआ। CGI ने आगे कहा कि यह साइंटिफिक रिसर्च और खोज में नए रास्ते खोलेगा और यह राष्ट्र की प्रगति में एक मील का पत्थर दर्शाता है। पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाद अब जल्द आपको लोगों को इथेनॉल ईंधन से चलने वाली गाड़ी भी सड़क पर दौड़ती नजर आएंगी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है कि अगले हफ्ते वह इथेनॉल ईंधन पर दौड़ने वाली कार को पेश करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अगले हफ्ते 29 अगस्त को इथेनॉल फ्यूल पर दौड़ने वाली कार निर्माता कंपनी टोयोटा की सबसे पॉपुलर कार इनोवा को पेश करेंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सुब्रमण्यम स्वामी का केस लड़ने जा रहे हैं। खास बात है कि स्वामी ने यह केस भाजपा के ही एक और नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ चल रहा है। दिल्ली की कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई शुरू होने जा रही है। भाजपा नेता बग्गा ने स्वामी पर मानहानि के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्वामी ने उन पर भाजपा में शामिल होने से पहले कई बार जेल जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही बग्गा का कहना है कि इसे लेकर स्वामी ने झूठा और गलत ट्वीट भी किया था। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार की शाम को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतर गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से संचालित इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रयान 3 के बजट को लेकर हो रही है। एक्स के CEO एलन मस्क ने भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की है। इस दौरान एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। इस पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि मिशन भारत के लिए अच्छा है। केंद्र सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी का एक नया पद बनाने पर विचार कर रही है, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख रिपोर्ट करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऐसी संभावना है कि ईडी के वर्तमान प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर को अपना मौजूदा कार्यालय छोड़ने से पहले देश का पहला CIO बनाया जा सकता है। CIO का पद संभालने वाला अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे एक पत्र में भारतीय चिकित्सा संघ प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाएं अनिवार्य रूप से लिखने पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियमों को वापस लेने की मांग की है। एनडीटीवी के अनुसार आईएमए का कहना है कि सभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होने तक इस नियम को अनिवार्य न रखा जाए। खबर के अनुसार आईएमए और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सदस्यों ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से मुलाकात की थी और एनएमसी के नियमों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने को लेकर किसानों एवं व्यापारियों के विरोध के बीच महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे ने दावा किया है कि यदि लोग 2-4 महीने प्याज न खाएं तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सोमवार को यह भी कहा कि निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय उचित समन्वय के साथ लिया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को प्याज की कीमत में वृद्धि को रोकने और घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगाया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक 40% निर्यात शुल्क रहेगा। एक अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की याचिका को अनुमति दे दी है, जिसमें उन्होंने अपनी अपील पर अंतिम फैसला होने तक उसके प्रत्यर्पण कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। भारतीय अधिकारियों ने इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया बताया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मई में एक अमेरिकी जिला अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में वांछित 62 वर्षीय राणा के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। वे प्रत्यर्पण के खिलाफ नाइट सर्किट कोर्ट पहुंचे थे। नू प्रशासन ने 28 अगस्त को प्रस्तावित विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा को आधिकारिक तौर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि डीसी ने कहा कि 3 सितंबर से टोरू में होने वाली आगामी G20 बैठक जैसे कारणों का हवाला देते हुए यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि यात्रा की तारीख G20 बैठक के साथ मेल खाती है, इसे मंजूरी नहीं दी गई। अनुमति देने से इनकार करते समय नूह में मौजूदा स्थिति के बारे में चिंताओं का भी हवाला दिया गया। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में ड्रोन का इस्तेमाल कर हेरोइन तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि बलों ने एक टूटा हुआ ड्रोन और 3.4 किलोग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बुधवार को फिरोजपुर जिले के हाजरा सिंह वाला गाँव के बाहरी इलाके में बीएसएफ सेना और पंजाब पुलिस द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने नारंगी रंग की पॉलिथीन में लिपटे हेरोइन लगभग 3.4 किलोग्राम वजन के संदेह वाले नशीले पदार्थ के एक पैकेट के साथ एक टूटा हुआ ड्रोन बरामद किया। यूपी के पशुधन मंत्री ट्रेन पकड़ने में लेट हो गए तो अपनी कार लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के अंदर घुसा दी। मंत्री की कार स्टेशन के प्लेटफॉर्म के एक हिस्से तक अंदर चलाई गई। यहां से मंत्री सीधे एस्केलेटर चढ़ गए। मंत्री की कार अंदर घुसने से हड़कंप मच गया। इस संबंध में जीआरपी इंस्पेक्टर संजय खरवार ने बताया कि मंत्री धर्मपाल सिंह इन वक्त पर स्टेशन पहुंचे, ऐसे में ट्रेन छूटने का समय हो रहा था। इस कारण उनकी कार को रैंप से होकर एस्केलेटर तक जाने की व्यवस्था की गई। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान की पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की। बैठक के तुरंत बाद राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री ने राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात तथा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों पर समाधानपूर्ण विमर्श किया। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की ओर से नए वेबसाइट www.bbosonline.bih.nic.in लॉन्च किए गए, जिसकी जानकारी देते हुए बोर्ड के मुखिया कार्यपालक पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि अब सभी कार्य पारदर्शी तरीके से होंगे, फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं होगी। साथ ही छात्रों को ऑनलाइन एडमिशन, एग्जामिनेशन और रिजल्ट की सुविधा वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। इस नए वेबसाइट के माध्यम से ही अब बोर्ड में सभी नामांकन, पंजीकरण, परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड, रिजल्ट का प्रकाशन इत्यादि कार्य किया जाएगा तथा सभी डाटाओं को सुरक्षा मानकों का अनुपालन स्टेट डाटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। उन्होंने यह कदम समय पर चुनाव नहीं करवाए जाने की वजह से उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने में असफल रहने पर WFI को निलंबित कर दिया है। जल्द इस मामले पर आधिकारिक सूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं WFI के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को यह समझा पाने में असफल रहे हैं कि इन चुनावों पर अदालत ने रोक लगाई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि शंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, अविनाश कुमार, अर्जुन राम, नौशद अंसारी, अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज के युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए सरकार की ओर से क्या किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।